द ड्रग इज़ बिथेनिकोल। बिथेनिकोल, अच्छा आपको राइट साइड पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं एसीटाइलकोलीन का, बिथेनिकोल का और फिर कार्बाकोल का, ठीक है बच्चों। अब जी इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है। देखो मेरा जो एसीटाइल कोलीन का स्ट्रक्चर, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द बिथेनिकोल? देखो बिथेनिकोल के अंदर मुझे जो ग्रुप मिल रहा है दैट इज़ दी कार्बामोइल ग्रुप, ठीक है, जबकि दैट इज़ कार्बामोइल ग्रुप आपको एसीटाइल कोलीन में नहीं मिल रहा। तो भाई अब एसीटाइल कोलीन एस्टरेज ने क्या करना था, एसीटाइल कोलीन की तो ब्रेक डाउन कर सकता है लेकिन अब वो कार्बाकोल की ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। अब कार्बा बिथेनिकोल एसीटाइल कोलीन की तो ब्रेक डाउन होगी, बिथेनिकोल की ब्रेक डाउन नहीं होगी, इसी तरह कार्बाकोल की भी ब्रेक डाउन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब डिफरेंस चेक करो बिटवीन बिथेनिकोल एंड दी कार्बाकोल। कार्बाकोल के ऊपर आपको किसी किस्म का कोई या बिथेनिकोल में कोई एडिशनल ग्रुप मिल रहा है? मिथाइल ग्रुप इज द एडिशनल ग्रुप इन दी बिथेनिकोल बट दैट ग्रुप इज एब्सेंट इन दी कार्बाकोल। अच्छा अब ये भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपके पास आ गया, ये डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस करने, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों। बिथेनिकोल, बिथेनिकोल भी आपकी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है जी। ये दिस इज़ एन अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बामोइल एस्टर। भाई इसके अंदर जो आपके पास कार्बामोइल मोइटी मिल रही है, कार्बेमिक एसिड वाली जो साइड मिल रही है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एडिशनल ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इज़ रिलेटेड टू दी एसीटाइल कोलीन। भाई स्ट्रक्चर रिलेट करता है तो भाई फंक्शंस भी रिलेट करेंगे, ठीक है भाई। अब जी पहली बात ये आ गई कि स्ट्रक्चर रिलेट करता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट भी तो है, कार्बामोइल मोइटी है ना इसके अंदर, तो जिसकी वजह से दिस इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द एसीटाइल कोलीन एस्टरेज। एसीटाइल कोलीन एस्टरेज की एब्रीवेशन आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अच्छा जी अब ये क्यों नहीं इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, बिकॉज ऑफ द एस्टरीफिकेशन ऑफ दी कार्बेमिक एसिड। एस्टरीफिकेशन में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आर रिलेटेड। एस्टर फॉर्मेशन होती है यानी कि कंबाइनिंग होगी आपकी ऑर्गेनिक एसिड की विद दी एल्कोहल, जिसकी वजह से एस्टर बना और वाटर बना, ठीक है जी। अब जी इसके अंदर भी इट लैक्स, हम बिथेनिकोल की बात करें, बिथेनिकोल के अंदर किसी किस्म की कोई निकोटीनिक एक्शन नहीं है। क्या एसीटाइल कोलीन का निकोटीनिक एक्शन था? यस, उसके अंदर था बच्चों। अब बिथेनिकोल का निकोटीनिक एक्शन क्यों नहीं है, दिस इज़ ड्यू टू द एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप। भाई मेरे एसीटाइल कोलीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं था, ठीक है, तो जिसकी वजह से जी निकोटीन के ऊपर भी एक्शन कर रहा था और मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी एक्शन कर रहा था, दोनों रिसेप्टर्स पे। मेरा बिथेनिकोल के ऊपर देर इज़ एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप, इस मिथाइल ग्रुप की एडिशन की वजह से क्या देखा गया कि बिथेनिकोल ने मस्करीनिक रिसेप्टर पे तो जाके काम किया लेकिन निकोटीनिक रिसेप्टर पे किसी किस्म का कोई एक्शन शो नहीं किया। द कंक्लूजन इज़ द बिथेनिकोल हैज़ द स्ट्रॉन्ग मस्करीनिक एक्टिविटी, क्लियर। अच्छा अब जी मेजर जो बिथेनिकोल का एक्शन है, आप लोग आगे एक्शन से में भी देखोगे कि सारे डिस्कशंस को छोड़ के मेजर जो एक्शन है, जो सिग्निफिकेंट एक्शन है आपको बिथेनिकोल का मिलेगा आपके स्मूथ मसल्स पे, यानी कि ब्लैडर में मिल जाएगा, जीआईटी में मिल जाएगा और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज़ ऑफ 1 आवर। अब जी पहला एक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिथेनिकोल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पहला फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया कि जी मस्करीनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। ये मस्करीनिक रिसेप्टर आपके कहाँ पर प्रेजेंट हैं, इंटेस्टाइन में। सेम जी वही एक्शन आया जो एसीटाइल कोलीन का था कि कौन से रिसेप्टर्स आपको इंटेस्टाइन पे मिल रहे हैं, M3 रिसेप्टर मिल रहा है और M2, ठीक है। एसीटाइल कोलीन में भी हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं किया था, भाई मुझे M3 का तो पता है, दिस इज एन एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी है ना, लेकिन M2 क्या था, इनहिबिटरी। लेकिन अगर ये इनहिबिटरी है तो ये GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज कैसे कर रहा है, नहीं ना पढ़ा हम लोगों ने। तो भाई इससे रिलेटेड बच्चों आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे, एज सच दिस इज स्टिल नॉट क्लियर
कि ये करता क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम लोगों ने फैक्ट्स तो ढूंढने हैं, वो फैक्ट को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जी आप ये बात याद रखो, मेरे मिथैनिकोल ने मेरे इंटेस्टाइन पे M3 M2 दोनों रिसेप्टर मिलने हैं, इसके साथ जाकर बाइंड करना है, लेकिन इन दोनों रिसेप्टर के कंपैरेटिवली कौन सा रिसेप्टर का काउंट ज़्यादा है इंटेस्टाइन पे, दैट इज़ ऑफ दी M2, जैसे कि हमने एसिटाइल कोलिन में डिस्कस किया। अच्छा जी, अब जी इन रिसेप्टर की एक्टिवेशन हुई, एक्टिवेशन से क्या हुआ कि मोटिलिटी बढ़ेगी। सेम जी यही रिसेप्टर आपको M3 रिसेप्टर अब आपको कहाँ पर मिल रहा है, आपको ब्लैडर पे मिल रहा है, ट्राइगोन पे मिल रहा है और दी स्फिंक्टर मसल्स पे मिल रहा है। अब जी इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर तो ये डी ट्रोज़र मसल पे है आपके ब्लैडर के ऊपर है तो उसकी ये कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, अगर तो ये ट्राइगोन और स्फिंक्टर पे है तो उसकी रिलैक्सेशन करवा देगा, ठीक है। अब जी जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिनेशन होगी। अब यह M2 वाला पॉइंट हम लोगों का डिस्कशन अभी रहती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ, सेकंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, भई अगर तो ये ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, इट मींस मेरे पास मिथैनिकोल ऐसी ड्रग है दैट कैन स्टिमुलेट दी ए टॉनिक ब्लैडर। यहाँ पे वर्ड मैंने कौन सा यूज़ किया है, एटॉनिक बच्चों, द वर्ड इज़ एटॉनिक, ATONIC, यानी कि एटॉनिक टोन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, बी एटॉनिक मीन्स अ ब्लैडर दैट कैन नॉट फुली कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे टोन नहीं आ रही, दैट विल लैक द फिजियोलॉजिकल टोन। अच्छा अब जी हमने पहले पता पढ़ लिया कि M3 रिसेप्टर यहाँ पर हैं, स्टिमुलेशन हुई, इसने कॉन्ट्रैक्शन करवा दी, सो द फर्स्ट इंडिकेशन इज़ यू कैन यूज़ दिस ड्रग, यू कैन यूज़ द मिथैनिकोल इन एटॉनिक ब्लैडर। सेकेंडली इन दी, अब वर्ड देखो क्या लिखा है, पोस्ट मार्टम नहीं लिखा हुआ, पोस्ट पार्टम, वट विल बी पोस्ट पार्टम, किसी को आइडिया है भाई, पोस्ट पार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस के अंदर इसे यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपकी ब्लैडर की टोन नहीं है या फिर कम है, और उस कंडीशन में यूज़ करेंगे व्हेन देयर विल बी दी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, यानी कि कुछ स्टोन वगैरह नहीं है, ठीक है। अब जी मैंने आपको कंडीशंस बताई, एटॉनिक ब्लैडर यू विल यूज़ इन इट इन पोस्ट पार्टम पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स when there is a lack of urination, और lack of urination का reason पीछे ये था कि that was non-obstructive, ठीक है। अब जी मेरे पास word आ गया है that is postpartum, postpartum अब क्या होगा, time after child birth, post means after, time after child birth, तब भी urination में problem होती है ना, तो इस कंडीशन के लिए द ड्रग यूज्ड इज़ दी मिथैनिकोल। ये तीन कंडीशंस आपके पास आ गई। नेक्स्ट कंडीशन आपके ऑथर ने लिखी है, दिस इज़ यूज्ड टू ट्रीट द न्यूरोजेनिक एटोनी। वर्ड अब आपके पास आ गया न्यूरोजेनिक, यानी कि नर्व जो आपके ब्लैडर को सप्लाई कर रही है उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि कॉन्ट्रैक्ट करो, दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो भाई दिस विल बी यूज्ड इन दी न्यूरोजेनिक एटोनी। न्यूरोजेनिक एटोनी की कंडीशन किस में आती है, इन द केस ऑफ दी मेगा कॉलन। अब मेगा कॉलन इसके अंदर क्या है, मेगा मीन्स बढ़ गया ना, आपकी जो कॉलन है वो डायलेटेड हो गई, ठीक है। अब ये देखो नीचे मेंशन भी, अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ द कॉलन दैट इज कॉज्ड बाय दी एनी ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में भी आ सकते हैं, भाई मेगा कॉलन क्या है कि कॉलन का साइज बढ़ गया, भाई डायलेशन होगी तो कंट्रैक्शन कम होगी, तो जिसकी वजह से यू विल यूज़ द ड्रग मिथैनिकोल, क्लियर है ये वाला। अच्छा जी अब ये बच्चों दो मेजर थेरेप्यूटिक इसके ऑप्शंस थे। स्टिल जी M2 वाला पॉइंट कि M2 कैसे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है इज़ रिमेनिंग, ठीक है अभी डिस्कस करेंगे। अब जी पहले आ जाओ एडवर्स इफेक्ट्स के ऊपर, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, भाई वही जो एसिटाइल कोलिन्स के थे, स्वेटिंग हो जाएगी, स्लाइवेशन होगी, फ्लशिंग होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, नोजिया होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, डायरिया होगा, ब्रोंकोस्पैज्म होगा,
याद है पढ़ा था कि ब्रोंकियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी, म्यूकस की सेक्रीशन बढ़ा देगा, वही एसिटाइल कोलिन वाले इफेक्ट्स। और जी अब इसके ऑपोजिट भी तो हम कोई ड्रग यूज़ कर सकते हैं भाई, इसके अपोजिंग के लिए वी विल यूज़ द ड्रग इसका एंटेगोनिस्ट है, दैट इज़ दी एट्रोपीन सल्फेट, जो इसके कार्डियोवेस्कुलर और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट को अपोज कर सकता है, एनकाउंटर कर सकता है। क्लियर? एसिटाइल कोलिन पढ़ ली, बिथेनिकोल पढ़ ली, नाउ द थर्ड ड्रग इज़ दी कार्बाकोल।